दोस्तों आज तारीख 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की और कुछ प्रमुख निर्देश दिए। बोले कि अगले 72 घंटे में पूरा कराएं कांवड़ यात्रा मार्गों की मरम्मत का कार्य और प्रमुख त्योहारों पर पुष्प वर्षा की जाए। कांवड़ियों पर फूल वर्षा के निर्देश भी दिए सीएम योगी ने। आपको पता होगा 22 जुलाई से प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। चलिए अगली खबर देखिए। अब प्रदेश में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा। सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस भी लगाना होगा और 6 महीने पहले इसके लिए आवेदन भी करना पड़ेगा। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों, मॉल बड़े बड़े होटल में लिफ्ट एस्केलेटर जो होते हैं उनमें कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है ना? तो इन्हीं चीजों पर रोक लगाने के लिए यूपी में सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी बिल्डिंग या संस्थान में अगर लिफ्ट लगानी है तो विद्युत सुरक्षा निदेशालय में 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भी लिफ्ट में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस वगैरह और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में पहली बार 9 कैरेट की ज्वेलरी पर भी लगेगी हॉलमार्क मुहर। छोटे कारोबारियों को भी दायरे में लाने के लिए ये नई तैयारी की जा रही है। BIS व प्रमुख सराफा संगठनों की 22 तारीख को होने वाली बैठक में इस फैसले के ऊपर मुहर लगने की उम्मीद है। और वहीं देखिए दोस्तों, हाथरस भगदड़ मामले पर अब भोले बाबा बोला कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। हाथरस हादसे के बाद पहली बार कासगंज आश्रम पहुंचा ये बाबा और देखिए कितने घटिया तरीके के बयान दे रहा है। सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार हरी ने ये हाथरस हादसे पर बयान दिया। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप इसके बारे में, कमेंट करके बताइए देखिए मुझे। और वैसे संतों से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। खुद को भगवान बताने वाले संतों पर लगेगा बैन। 112 संतों को नोटिस भी जारी किया गया है। महाकुंभ में नहीं मिलेगी एंट्री। अल्लाहू अकबर कहने वालों को अलग से चिन्हित किया जाएगा। चलिए फ्री बिजली पर बड़ी खबर आ रही। उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देगी यूपी सरकार। योजना का लाभ लेने के लिए गांव-गांव पहुंचेंगे अधिकारी भी। बात कुछ यूं दोस्तों की मुफ्त बिजली के लिए अब आप 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तक 5 लाख से ज्यादा पंजीयन हो चुके हैं। यूपी के किसानों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि किसानों के लिए मुफ्त बिजली देने के लिए योगी सरकार की तरफ से तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है, जो पहले 15 जुलाई ही थी। इस योजना के जरिए किसानों को 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह मुफ्त बिजली देने का प्लान रखा था योगी सरकार ने पिछले साल 2023 अप्रैल से ही, है ना। और वहीं देखिए किसानों की शुभचिंतक बनी योगी सरकार। मंडियों में फसलों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और किसानों की सब्जियां वगैरह उनकी फसलें खराब ना हो इसके लिए कोल्ड रूम भी बनाए जाएंगे। ये भी मतलब सीएम योगी ने नया प्लान बनाया है ना। और वहीं खबर है, हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने के बाद अब योगी सरकार का एक और तोहफा। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी को 2027 तक बढ़ा दिया, यानी 2027 तक ईवी पर आपको सब्सिडी मिल पाएगी यूपी में, है ना। अच्छा, कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। देखिए आप, अब ढाबा और होटल संचालकों को बाहर नाम लिखना होगा जरूरी। लापरवाही बरतने पर ₹1000 का चालान भी काटा जाएगा। और कांवड़ यात्रा जो 22 जुलाई से शुरू होने जा रही है उसके साथ ही कई रास्ते भी बदल जाएंगे। यूपी दिल्ली उत्तराखंड में चलने वाले भारी वाहनों के लिए स्पेशली ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है प्रशासन की तरफ से। ये देख सकते हैं आप, गाजियाबाद पुलिस ने क्या ट्रैफिक प्लान जारी किया और ये ट्रैफिक पुलिस के कॉन्टेक्ट नंबर भी रहे अलग अलग एक्सप्रेसवे के लिए और इन इन रूट पर नहीं चलेंगे वाहन, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने पीएम को दी खींचतान की रिपोर्ट। भूपेंद्र चौधरी गृह मंत्री अमित शाह से मिले। केशव के बगावती तेवर के बाद सियासी हलचल और ज्यादा तेज हुई यूपी में। आपको बताऊंगा आजकल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बगावत करने की फिराक में है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में अब मानसून पर लगा ब्रेक। पहाड़ों पर हो रही बारिश, वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर डूबा। सहारनपुर में हिंडन नदी उफान पर चल रही है। 20 जुलाई से यूपी का मौसम फिर से बदलेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पूरा मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में वुमेन हॉस्टल का भूमि पूजन किया गया। 44 एकड़ में बनेगी नई बिल्डिंग, 18 महीने में बनकर होगी तैयार। बांदा में शांतिपूर्वक निकाला गया ताजिए का जुलूस, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ऐसी मान्यता दोस्तों की 265 साल पहले यहीं से मुहर्रम की शुरुआत हुई थी। और प्रदेश के सभी जिलों में मुहर्रम का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कुछ जिलों के हालात देखिए आप। संबल में भी शांतिपूर्वक निकला मुहर्रम के ताजिए का जुलूस। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी गई। हालांकि मुहर्रम के चलते कई जगहों पर बिजली और पानी की कटौती देखने को मिली। 25 लाख से ज्यादा लोग परेशान रहे। कानपुर में भी मुहर्रम जुलूस के चलते काटी गई लाइट और लाइट कटौती की वजह से जलापूर्ति भी ठप हो पाई। कन्नौज में भी एक बड़ा हादसा हो गया। मुहर्रम के जुलूस के दौरान छज्जा गिर गया जिसमें एक बच्चे की जान चली गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। और देखिए बरेली में भी मुहर्रम के जुलूस में टकराव देखा गया, नारेबाजी की गई। अलीगंज कस्बे में डीजे को लेकर हंगामा हुआ, हिंदू समाज ने विरोध किया। फिर फोर्स के साथ डीएम और एसएसपी भी रहे। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। गोरखपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर चुने गए भारतीय विज्ञान अकेदमी के एसोसिएट। 3 साल का होगा कार्यकाल। 130 से ज्यादा रिसर्च पेपर इनके पब्लिश हो चुके हैं। खबर है, BHU कैंपस और अस्पताल होगा साइलेंस जोन। सख्ती से लागू होंगे ये नए नियम। 1300 एकड़ के कैंपस में चलेगा नॉइज कंट्रोल अवेयरनेस प्रोग्राम भी। वही देखिए, सावन सोमवार को विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन की नई व्यवस्था की जाएगी। मंदिर परिसर में नहीं होगा कोई लोकल। गोदोलिया मेदागिन नौ विकल्प
जोन घोषित किए गए, मतलब यहाँ गाड़ी वाहन नहीं आ सकेंगे। स्टूडेंट्स के लिए एक और अच्छी खबर है, आईआईटी कानपुर ने साथी एसएससी लॉन्च किया, जिससे कि एसएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी मदद मिलेगी। और वहीं देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वॉलंटरी रिटायरमेंट पर बड़ा फैसला सुनाया, डाकघर अधीक्षक की याचिका पर सुनवाई हुई, कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी का बड़ा अधिकार है। और देखिए, मेरठ में एआईएमआईएम ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, बोले कि एक समुदाय को टारगेट कर रही सरकार, बुलडोजर नीति और मॉब लिंचिंग नहीं होगी बर्दाश्त। और दोस्तों, इधर प्रदेश के डीजीपी ने भी एक बड़ा अच्छा आदेश दिया, कहा कि किसी भी गरीब पर न हो बुलडोजर की कार्यवाही। दसवीं के मुहर्रम पर 15,000 से ज्यादा जुलूस निकले, 2017 के बाद त्योहार पर अशांति नहीं हुई। चलिए खबर है, बलरामपुर में खाद बीज लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, कृषि अधिकारी बोले कि ऑनलाइन जमा करनी होगी फीस, सत्यापन के बाद ही दिया जाएगा लाइसेंस। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं इस पोर्टल के जरिए upagriculture.com। चलिए अगला अपडेट देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्रिमंडल में फेरबदल के लग रहे कयास। वैसे आज प्रदेश की राज्यपाल अलीगढ़ आएंगी, यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और फिर हाथरस भी जाएंगी। चलिए अगला अपडेट है, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, सौंपी चुनाव में मिली हार की वजहों पर रिपोर्ट भी। वहीं दोस्तों, बड़ी चेतावनी आ रही, उमस भरे मौसम में वायरल संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं, कानपुर में भी देखिए निमोनिया से 2 लोगों की मौत हो गई, 5 रोगियों के गुर्दे फेल हो गए। तो आप भी बढ़ते मौसम में वायरल संक्रमण का ध्यान रखें, है ना। और प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भी सीएम योगी ने कमर कस ली है, 30 मंत्रियों की टीम बनाई जाएगी और ये खास रणनीति भी तैयार की है। और वहीं देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर एक और बड़ा फैसला, सीएम योगी की स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम बाहर कर दिए गए हैं, उपचुनाव चुनौती बन रहा है इसलिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, अगली खबर, धर्म परिवर्तन पर मौलाना तौकीर सूबे के बयान से शाम में पलटे और बोले कि 21 को ही कराएंगे सामूहिक निकाह है। चलिए अगला अपडेट है, सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की और निर्देश दिए, कहा उपचुनाव होने तक सप्ताह में 2 दिन मंत्रियों को करना होगा रात्रि विश्राम। चलिए दोस्तों, अब अपन आज के प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली के मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। देखिए, एक तो प्रदेश में बारिश को लेकर बुरी खबर आई है, मौसम विभाग की तरफ से नई चेतावनी के मुताबिक अभी प्रदेश में मानसून थोड़ा सुस्त रहेगा अगले 3 दिन तक। हालांकि 20 जुलाई से प्रदेश में मानसून की फिर से शुरुआत होगी, तब तक यूपी में मानसून पर ब्रेक रहेगा। पहाड़ों पर बारिश देखी जा रही है, वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर भी डूबा, सहारनपुर में हिंडन नदी उफान पर चल रही है, 20 जुलाई से फिर से बदलेगा मौसम। प्रदेश के कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी, बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए 64 टीमें भी तैनात की गई है। कोंडा, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में यह राप्ती नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और अभी मौसम विभाग का कहना है कि 19-20 जुलाई से फिर से बदलेगा मौसम, यूपी के 35 से ज्यादा जिलों में होगी बारिश। और देश के मानसून का हालात देखिए आप, यूपी के 16 जिलों में बाढ़ आई हुई है, 3 नदियां उफान पर हैं, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई, कर्नाटक में भी लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो गई, 9 राज्यों में स्पेशल अलर्ट है। बस्ती में सरयू नदी का जलस्तर घटने लगा, जलमग्न हुए सुविका गांव से हटाई गई बोट। गोरखपुर के राप्ती नदी में डूबकर 3 दोस्तों की जान चली गई, तीनों नदी में बाढ़ देखने गए थे, तीनों पानी भरे गड्ढे में डूब गए, ऐसे सावधान रहे। बहराइच में भी नदी में डूबी 4 किशोरियां, 4 लड़कियां मतलब, 3 को लोगों ने बचाया लेकिन 1 नहीं बचा पाए, इसलिए अपने बच्चे बच्चों को आजकल कहीं नदी नील झरने के पास नहाने के लिए ना भेजे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम के बाद खबरों में। देखिए दोस्तों, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पर भी अपडेट आ रहा है कि कांवड़ यात्रा के बाद लिखित परीक्षा होने के आसार है, 60,244 पदों पर होनी है सीधी भर्ती। वही खबर है, 22 भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी 22,000 महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें, केंद्र सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया। और देखिए, एनटीए परीक्षा सुधार समिति को मिले 37,000 से ज्यादा सुझाव, गड़बड़ी के मामलों में स्पष्ट नियम बनाने की मांग की है देश भर के युवाओं ने। और अब आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंटीन में कचौरी समोसा तेलिए तली हुई चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि विश्वविद्यालयों को सिर्फ हेल्थी फूड परोसने के निर्देश दिए हैं यूजीसी की तरफ से। अच्छा, वैसे ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए अच्छी खबर है, अब घर बैठे आप शराब भी ऑर्डर कर पाएंगे, स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट और बिग बास्केट ये डिलीवरी सर्विस शुरू करेंगे। पहले शुरुआत में ये सर्विस दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और गोवा जैसे राज्यों में होगी। वह देखिए एक रिपोर्ट, देश के 17 राज्यों के 265 जिलों की 14,000 से ज्यादा बच्चियों को बालिका वधु यानी कि कम उम्र में बाल विवाह होने से उन्हें बचाया गया। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, भारत की पहली कूपे एसयूवी टाटा कर्व 19 जुलाई को आएगी, इसमें 360 डिग्री कैमरा और अडास जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे। रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 भी 2,39,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुई। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी ने M35 स्मार्टफोन 17,000 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया और रियलमी 13 प्रो सीरीज भी 30 जुलाई को लॉन्च होगी। चलिए टेक न्यूज से कुछ और खबरें देखिए आप, इंस्टाग्राम पर रील बनाने वालों की मौज हुई, नए फीचर से जबरदस्त फायदा होगा। दरअसल दोस्तों, इंस्टाग्राम पर अब आपको मल्टी ऑडियो ट्रैक सपोर्ट रील्स के फीचर मिलेंगे, यानी कि आप एक से ज्यादा ऑडियो एक ही रील में ऐड कर पाएंगे, समझ रहे हो। और व्हाट्सएप भी जल्दी आपको एक नया फीचर रोल आउट करेगा, वो ये कि फेवरेट कॉन्टेक्ट की लिस्ट आप अलग से टैब में बना पाएंगे या उन्हें टॉप पर रख पाएंगे, जैसे पिन करते हैं अपन, वैसे फेवरेट कॉन्टेक्ट को अलग से सेव करके रख पाओगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, गुरुवार को सुबह 10:30 बजे पीएम के आवास पर होगी आज कैबिनेट की बैठक। खबर है, ओमान के पास
समंदर में पलट गया ऑयल टैंकर 13 भारतीयों समेत चालक दल के 16 लोग लापता होने की खबर थी, लेकिन भारत ने तुरंत रेस्क्यू के लिए युद्धपोत INS भेजा और अब खबर है कि तेल टैंकर हादसे में 8 भारतीयों को बचा लिया गया। ये राहत की बात है, हालांकि अभी भी बाकी कई लापता हैं जिनका रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं देखिए, इंडियन रेलवे का कहना है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 7 सालों में 84,000 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया गया। वाकई में रेलवे की बहुत ही शानदार पहल साबित हुई है और भारत के लिए देखिए अच्छी बात, ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7% पर बरकरार रखा है, ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। जबकि कल ही IMF ने 2024 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF के द्वारा जारी ये डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, दिल्ली के CM केजरीवाल की जमानत पर 29 जुलाई को फैसला आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से शुरू की गई मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम, इसमें 333 और 399 दिन वाले दो निवेश प्लान मिलेंगे आपको, अधिकतम 7.75% तक, 8% तक ब्याज मिलेगा। ये दोनों स्कीम देख सकते हैं आप, अलग अलग टाइम वैल्यू पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। और इसके अलावा SBI ने भी ये अमृत वृष्टि स्कीम लॉन्च की है, इसमें भी 444 दिन के लिए आप निवेश करके 8% तक अधिकतम ब्याज कमा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल ही बताई थी, है ना। और इसके अलावा आरक्षण को लेकर भी दोस्तों सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। SC ST OBC समेत आरक्षण पर क्या 5 बड़े फैसले हैं, मेन चैनल DLS न्यूज पर जाकर, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, 1 साल में 88,450 तक जा सकता है सोना, गोल्ड ETF में निवेश आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। वहीं देखिए, बजट 2024 में रात को से घाटा लक्ष्य घटाकर 5% कर सकती है सरकार। KRH की रिपोर्ट के मुताबिक बजट में सरकार कृषि, रोजगार, ग्रामीण आवास पर राजस्व खर्च बढ़ाएगी और ये रात को से घाटा भी कम होगा। वहीं OPS पुरानी पेंशन योजना पर खबर है कि बजट से पहले इसमें बड़ी खबर आ सकती है, कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिल सकता है, केंद्र सरकार ये तोहफा दे सकती है। और खबर है, केंद्र में नीति आयोग की नई टीम बनाई गई, शाह, राजनाथ समेत 15 मंत्री सदस्य नियुक्त किए गए। और अंत में देखिए अपडेट, सरकार के 100 दिन में सभी मंत्रालयों को एक एक परियोजना लागू करने का आदेश दिया, आम जनता को होगा फायदा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप UP के कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।